आज मेरा मुख्य विषय है कि यीशु मसीह चाहता है हमारे साथ में रहने के लिए हमारे साथ में मेल मिलाप करने के लिए हमारे साथ में संगति करने के लिए उसी विचार पर हम लोग कुछ ध्यान देंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें एक चीज में जानना बहुत ही जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को विश्वासियों से दूर नहीं करता है वो उनके साथ में रहता है वो चाहता है विश्वासी लोगों के साथ में रहने के लिए बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि वो यीशु मसीह बहुत दूर है हम लोग से कोई रिश्ता नहीं रखता। ये सच बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे साथ में हमेशा रहने के लिए उसके इच्छा है भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं शाहटीन वर्स इलेवन आप देखोगे यहाँ श्री ने परमेश्वर के वचन जो हमें दाऊद की तरफ से मिला मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाए दिखाएगा परमेश्वर कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह हमें ये प्रतिज्ञा देता है ये वायदा देता है कि उसके संग में उसके निकट हमें आनंद है आनंद की भरपूरी है उसके दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहेगा इसका मतलब कि जब हम उसके साथ में रहेंगे तो उसके आशीष हमारे ऊपर रहेगा उसके आनंद हमारे पास रहेगा उसके खुशी रहेगा और हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा कर पाएंगे ईशु के उपस्थिति में रहने से और ज्यादा आनंद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कोई जगह पर भी नहीं मिलेगा जितना आनंद और खुशहाली प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलता है और जानते हो कि मनुष्य में परमेश्वर ने एक इच्छा रखा है चाहे कोई भी मनुष्य चाहे जहाँ पर भी रहे उसके दिल में एक इच्छा है कि वो परमेश्वर को ढूँढी करें परमेश्वर को खोजी करें और उसके साथ में रहने के लिए इसीलिए आप देखते हो मनुष्य जहाँ कहीं पर भी है तो किसी न किसी तरह के कोई धर्म है कोई पूजा पाठ करते हैं कोई ये बना लेता है वो, वो बना लेता है और उनके लिए ये एक रास्ता परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए हमारे हृदय में एक खालीपन है और ये खालीपन पूरा नहीं होता जब तक कि हम परमेश्वर के साथ में मेल मिल मिलाप नहीं कर जब तक हम उसके साथ में एक नहीं हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप कहा कि वो चाहता हमारे साथ में रहने के लिए जो किताब ना की किताब चौदह अध्याय तीसरा पद में वो कहता है जॉन चैप्टर फोर्टीन वर्स थ्री और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है वो चाहता है हमारे साथ में रहने के लिए और यहाँ पर वो साहब साहब कहता मैं जाता हूँ और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा फिर लौट तुम्हें कर आऊंगा तो मैं लेकर जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो उसकी इच्छा है कि वो हमारे साथ में रहें प्रभु यीशु मसीह ये, ये इच्छा वो कई बार प्रकट किया उसकी इच्छा कि वो हमारे साथ में लगातार रहे थोड़ी देर के लिए सोचो जिस दिन तुमने यीशु मसीह पर पहली बार विश्वास किया जब मुक्ति को तुमने प्राप्त किया पहली बार पहली रोज जब प्रभु यीशु मुसी तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारे पाप को क्षमा किया तुम्हें नया जिंदगी दिया तुम नया जन्म प्राप्त कर लिए उस समय कैसे लगा तुम्हें कितना अच्छा लगा ना और हमारे में एक चाह पैदा हो गया था कि मैं हमेशा उसके साथ में रहू चेत जाओ बराबर सभा में भाग लू प्रार्थना में भाग लू कहीं पर भी प्रचार हो कुछ हो परमेश्वर के काम करने के लिए हमारे दिल में एक हौसला एक जोश पैदा हो जाता था ये परमेश्वर की तरफ से है और हमें नहीं चाहिए कि ये हौसला ये जोश को खो देने के लिए हमेशा हमारे में होना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें उसके साथ में रहें ये हौसला और जोश जो है उसको हम खो नहीं दें ये पहला प्यार ईश्वर से जो हमने किया उसको हम हटा नहीं दें कम नहीं कर दें ये इच्छा जो है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहूं, हमेशा उसके साथ में रहूं, इसको हम कम नहीं कर दें और भी ज़्यादा करें और ये होता है जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं उसके सभा में भाग लेते हैं जैसे ये सभा है कहीं पर भी प्रार्थना सभा हो किसी के घर पर भी प्रार्थना सभा हो वहाँ पर उपस्थित रहना हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो हमें दिखाता है कि हमारे में एक इच्छा है कि मैं उसके साथ में रहूं ईशु के साथ में रहूं उसके साथ में मेल मिलाप करूं लुक आरक्षित सुमाचार ट्वेंटी टू लुक ट्वेंटी टू वर्स फिफ्टीन में उसने अपने आप कहा जब आखिरी दिन वो चेलों के साथ में था ऊपरी कमरे में सब चेलों के साथ में था और उसने उनसे कहा कि मुझे बहुत ही इच्छा है पैदा हुआ कि वो उनके साथ में आखिरी भोजन करे आखिरी भोजन करने के लिए उसने कहा कि मेरे दिल में ही इच्छा है आई डिजायर टू हैव दिस लास्ट पास ऑफ वन विद यू तुम्हारे साथ में भोजन करने के लिए सोचो थोड़ी देर के लिए जो चेले लोग थे उनके कितना भारी जोश उसमें हो गया कितना हौसला हो गया कितना आनंद हो गया कि वे लोग ईशु के साथ में एक मेज में बैठ कर उसके साथ में भोजन करने के लिए तैयारी करता वे बातचीत कर रहे थे कुछ कुछ बातचीत कर रहे थे हम नहीं जानते क्या बातचीत कर रहे लेकिन बहुत कुछ वे लोग करते थे शिक्षा प्राप्त करते थे यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दिया शिक्षा दिया और शिक्षा के द्वारा वे लोग मसीह के विषय में और जीवन के विषय में और प्राप्त किए यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आज हम भी करें कि उसके साथ में ज़्यादा समय बिताएं उसके साथ में मेल मिलाप करें उसके साथ में आत्मिक भोजन करें और यही हमारा इच्छा होना चाहिए आज भी इन अफसोस से कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं इसमें जब प्रभु यीशु मसीह मरा और उसको कब्र में रखा गया तीसरे दिन बाद जब वो जी जीव उठा वो आकर क्या कहा उसके दिल में एक इच्छा था कि चेले के साथ में वो मेल मिलाप करे बातचीत करे रिश्ता रखे उसने कहा आओ मेरे साथ में और भोजन करो पहला शब्द उसने चेलों से कहा जब मृतकों में से जी उठा कम मैं डाइन विद मी आओ मेरे साथ में भोजन करने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है क्यों क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ में रहे वो उसके हमारे साथ में संगति करें मेल मिलाप करें बातचीत करें रिश्ता रखें और हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं उसके आवाज़ को पहचानते हैं लू का रचित सुषमाचार में हम लोग पढ़ते हैं लूक चैप्टर फिफ्टीन बर्स वन टू तो टू तो में सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया आया करते थे ताकि उसके सुने और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है यहाँ पर भी हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि फरीसी लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह ये जो वे लोग कहते थे पापी लोग हैं जो चुंगी लेते थे टैक्स कलेक्टर्स थे और बाकी लोग जो वहाँ पर जो आए थे यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह उनको स्वागत किया उनको छूया उनसे बातचीत किया उनसे रिश्ता रखा उनको निमंत्रण दिया कि आओ और उनसे मेल मिला के उनके साथ में भोजन किया लेकिन जो धर्मी लोग थे जो अगुवा लोग थे वे लोग कुरकुराने लगे कि कैसे बातचीत यीशु मसीह ये पापियों के साथ में संगति करता है वे दोष लगाने लगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है वो चाहता है कि वे उसके पास आए उसके साथ में भोजन करें। कितना हम लोग के ये खुशी की बात होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें दूर नहीं कर देता है ओ तुम पापी हो तुम बुरे लोग हो चले जाओ हमारे सामने से प्रभु यीशु मसीह हमसे शर्माता नहीं है चाहे कितना भी हम पाप में गिर जाए जितना भी त्रुटियाँ हमारे में हूँ कितना भी उससे हम पाप के कारण अपने आप को हम अलग कर लें लेकिन यीशु मसीह हमसे अलग नहीं रहेगा वो हमसे शर्माएगा नहीं वो चाहेगा कि हम उसके साथ में आए और ये होता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उससे रिश्ता रखते हैं उससे बातचीत करते हैं प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें जीवन देता है आनंद देता है खुशहाली देता है चाहे कैसे भी पाप हो चाहे कितना भी गहरा पाप में तुम गिर गए हो शायद तुम्हें दोष लगता है कि तुमने एक पाप के काम किया गलती किया है प्रभु यीशु मसीह तुमसे शर्माता नहीं है वो चाहता है तुम्हारे साथ में रहने के लिए वो चाहता है क्षमा करने के लिए वो चाहता है तुम्हें तुमसे प्यार करने के लिए चाहे कैसे भी तुम गिर जाओ मैं इस यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुमसे, तुमसे रिश्ता रखने के लिए कभी कभी हम लोग अपने आप को दोष लगाते हैं कोई पाप कर देता है गलती काम कर देते हैं और हम लोग उससे दूर होते ही चले जाते हैं कलेषि आना बंद कर देते हैं प्रार्थना नहीं करते बाइबल नहीं पढ़ते और मसीह लोगों से मेल मिलाप नहीं करते क्योंकि वो दोष लगाते रहता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कभी नहीं अदल करेगा वो नहीं करेगा वो चाहता है कि तुम आओ उसके पास और क्षमा मांगो क्षमा करेगा और तुमसे प्यार करेगा कोई भी एक ऐसा पाप तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में खराब हो जाए टूट जाए कोई भी एक पैसा पाप पैसा नहीं है जो तुम्हारे बीच में आ सकता है परमेश्वर के बीच में आ सकता है लेकिन वो कहता है आओ मेरे पास पश्चाताप करो क्षमा मांगो और वो कहता है आओ मेरे साथ में भोजन करो ये मसीह का निमंत्रण है चाहे कैसे भी आप हो मार्क थ्री में मार्क थ्री थर्टीन फोर्टीन में हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया वहां पर चेलों के साथ में मिला बातचीत किया और उसने बारह को चुना और उनको प्रेरित बनाया क्यों वहां पर लिखा है कि क्योंकि वो चाहता था कि वे उसके साथ में रहे हमेशा उनको चुना ये बारा लोगों को चुना और उनको प्रेरित बनाकर और उसका इच्छा था कि दे माइट बी विथ हिम एंड दे माइट सेंड देम आउट टू कि वे लोग उसके साथ में रहे ईशु के साथ में रहे और यीशु मसीह उनको भेजे जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जानते हो अगर तुम अपने मसीही जीवन में या प्रचार करने के जीवन में या यीशु के सेवा करने के जीवन में तुम सफलता प्राप्त करने चाहते हो तो एक ही तरीका है कि यीशु के साथ में समय बिताओ तब तुम जाओ प्रचार करने के लिए तब तुम जाओ उसके सेवा करने के लिए तब तुम जाकर उसके कोई भी काम करना है तब तुम जाकर करो जब तुम उसके साथ में पहले समय बिताओगे और हम लोग कैसे बिताते हैं हम लोग शायद शारीरिक रूप से अभी नहीं मिला भी सकते हैं जैसे चेले लोगों ने के बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन आज हम लोग प्रार्थना के द्वारा बाइबल पढ़ने के द्वारा कलिशिया में भाग लेने के द्वारा उसके कार्य में हम लोग लोलिन हो सकते हैं और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम यीशु के नज़दीक होते हैं। और यीशु हमारा नज़दीक आते चले आएगा वो चाहता है हमारे नजदीक आने के लिए और हमें सामर्थ्य हमें देने के लिए कि हम जाकर सुसमाचार को प्रचार करें लेकिन सुसमाचार प्रचार करना या कोई भी तरह से यीशु के सेवा करना परमेश्वर के सेवा करने के काम में हमें बिताना है तो पहले हमें समय बिताना पड़ेगा परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह के साथ में बिताना पड़ेगा वो जब हमारे हम उसके साथ में रहते हैं तो वो हमारे हृदय को देखता है और जानता है कि हम वो क्या हमें करना चाहिए हम देखते हैं कि जो सुसमाचार है वो आज के लिए है लेकिन इसको प्रचार करने के लिए पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के संगति करना है जब हम उसके सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे तब हम जाकर सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे जब हम उसके साथ में रहेंगे जब उसके पवित्र आत्मा से हम रोलीन हो जाएंगे और अभिषेक हो जाएंगे पवित्र आत्मा से तब हम जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये प्रचार करने का कार्रवाई एक सेवा के काम है ईश्व के लिए सेवा करना और ये सेवा करने के लिए हमें उसके संगति की जरूरत है पवित्र आत्मा की संगति की जरूरत है और जो पवित्र आत्मा हमारे में आ जाता है उससे नजदीक और कुछ नहीं रहता है मार्क चैप्टर 16 बस 19 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था और वो स्वर्ग को जब चला गया वो जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा यहां पर हम लोग पढ़ते हैं निदान प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया ये प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में था चेलों के साथ में था और वो चला गया ऊपर लेकिन वहां से उसने कहा कि जाओ समाचार जब प्रचार करने का और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा रहूंगा हमेशा रहूंगा वहां से चेले लोग गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए जगह जगह पर जाकर वे प्रचार किए उसके सेवा के काम किए और परमेश्वर का वचन जो था वो पूरा होता गया जो कुछ उसने कहा वो होता होता रहा चिन्ह होते रहा चंगाई के काम होता रहा लोग ईशु को मुक्तिदाता ग्रहण करते थे पवित्र आत्मा में अभिषेक हो जाते थे सब कुछ होता था क्योंकि चेले लोग के साथ में थे, उन्होंने उससे ये अधिकार को प्राप्त किया कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो अगर तुम उससे देखे हो अगर उससे तुम रिश्ता रखे हो उसके साथ में तुम मेल मिलाप करते हो उसकी संगति करते हो उसके साथ में प्रार्थना में समय बिताते हो बाइबल को पढ़ते हो शिक्षा को प्राप्त करते हो चाहे अपने आप पढ़ते हो या क्लासेस में किसी तरह से वो तुम्हारे साथ में रहेगा और जो प्रचार के काम है जो चिन्ह है वो होगा तुम्हारे वो वो इसका पूरा करेगा क्योंकि उसने कहा जो मेरे नाम से जाकर प्रचार करेंगे ये चिन्ह उनके साथ में होगा जो कुछ प्रभु यीशु मसीह किया वो हम कर सकते हैं लेकिन पहला चीज़ है कि हम उसके साथ में समय बिताएं उसके साथ में रिश्ता रखें उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करें उसके आशीष को प्राप्त करें जिसमें कि हमें भी वो सामर्थ्य मिले वो काम करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप किया अगर हम चेलों के विषय में देखेंगे पत्रस ने आ, जो लंगड़ा आदमी था जिसका नाम था एन्यास, एन्यास, उसे क्या यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है जीसस क्राइस्ट यू। कैसे वो बोल सका ये बात क्योंकि उसने पहचाना कि यीशु मसीह उसके साथ में है ईशु के सेवा वो करता था ईशु उसके साथ में था और वो जानता था जब यीशु मसीह उसके साथ में है तो बहुत कुछ हो सकता है जो यहूदियों का सरदार लोग तो हम वे लोग देखे पतरस और बाकी चेले लोग कैसे अद्भुत काम कर रहे थे आश्चर्य काम कर रहे थे उन्होंने सब कुछ देखा और वे कभी नहीं और कभी नहीं देखे थे लेकिन यहाँ पर वे देखते हैं कि ये चेलों के द्वारा पतरस के द्वारा ये तरह तरह के कर्म के काम होते थे और उनके विषय में ये क्यों कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ थे पहला चीज ये अनपढ़ थे ये साधारण व्यक्ति लोग थे ये कोई पढ़े लिखे नहीं थे ये याजक के काम पढ़ने के लिए नहीं गए थे या कोई स्कूल वगैरह नहीं गए थे साधारण लोग थे और वे लोग आश्चर्य किए देखकर कि ये लोग ये सब आश्चर्य क्रम कर एक चीज और लिखा है उनके विषय में कि वे लोग पहचाने कि ये लोग ईशु के साथ में थे दे विथ वे ईशु के साथ में थे ये बहुत कोई यही चीज मैं आज बताता हूं कि जब हम ईशु के साथ में समय बिताएंगे तब आश्चर्य क्रम होगा हम ईशु के नाम से भारी भारी काम कर सकेंगे प्रचार के काम कर सकेंगे तो ये लोग जो ईशु के साथ में थे अनपढ़ थे साधारण लोग थे उनको ये सामर्थ्य कहाँ से मिला कि वे सुसमाचार प्रचार करें क्योंकि वे यीशु के साथ में थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा में अभिषेक हो गए थे क्योंकि वे अन्य अन्य भाषा में बात करे थे वे उस कमर में जहाँ पर वे लोग थे यीशु के साथ में ये अनपढ़ लोग ये साधारण लोग जो मछुआ लोग थे वे लोग आश्चर्य कर्म के काम किए क्योंकि वे ईशु के साथ में थे जो लोग ईशु के समय साथ में समय बिताते हैं उनका जो प्रचार के काम है जो उनका रहन सहन है उनका बातचीत है उस न्यारा रहता है बहुत फर्क रहता है बहुत फर्क रहता है और लोग देखकर पहचानेंगे पहचानेंगे कि व्यक्ति का जीवन बदल गया है जैसे भाई बताता है जितने लोग यीशु मसीह में हैं वे सब नए सृष्टि हो गए पुरानी बातें खत्म सब कुछ नया हो गया है यीशु मसीह के साथ में जब हम हो जाते हैं वो हमारे जीवन में आ जाता है पवित्र आत्मा से हम अभिषेक हो जाते हैं तो हमारा सब कुछ बदल जाता है हम नया हो जाते हैं और हो जाना चाहिए अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ी है सोचो थोड़ी देर के लिए लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है और सुधार लाता है जिसमें कि हम लोग कर्म के काम कर सके और हमारे जीवन में आत्मिक सामर्थ्य है और ये होगा जहाँ हम यीशु के साथ में समय बिताएंगे और जिसे मैंने बताया उसके साथ में समय बिताने के लिए बाइबल को पढ़ना प्रार्थना करना कलिशिया में भाग लेना उसके कार्रवाई में भाग लेना ये सब चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लाएगा अगर हम नहीं करेंगे तो हम उससे दूर होते चले जाएंगे आखिरी में उदाहरण चैप्टर थ्री वर्स ट्वेंटी में, में प्रभु मसीह क्या कहता है 3, में, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं खड़ा हुआ खटखटाता हूं यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ ना यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इच्छा कि हम लोग उसके साथ में मेल मिलाप करें उसके साथ में बैठे उसके साथ में भोजन करें ये यीशु मसीह कहता है अपने आप हाँ वो कहता है कि मैं यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उसकी आवाज सुनकर उसके पुकार को सुनकर जब हम अपने हृदय को खोलेंगे हाँ यीशु मसीह आ जाओ मेरे हृदय में तो वो कहता है उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ यह रिश्ता प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपसे और हमसे कोई भी एक मनुष्य जो सच्चाई को ढूंढता है चाहे जहाँ पर भी हो तुम अगर तुम सच्चाई को खोजते हो तुम चाहते हो परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए यह है यीशु मसीह का निमंत्रण वो आता है खटखट आता है और कहता है कि दरवाजा तुम अगर खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा तुमसे रिश्ता रखूंगा तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा और गहरा रिश्ता रखेगा वो हमारे साथ में तो हम क्या देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो हमारे साथ में मेल मिलाप करे चाहे कोई भी हो वो तुम्हारे साथ में मेल मिलाप करने चाहता है वो तुम्हारे हृदय के दरवाजा में खटखटाता है आज खटखटाता है बात करता है तुमसे क्या तुम दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो क्या तुम सुनोगे उसकी आवाज़ को क्या तुम पहचानोगे कि यीशु मसीह तुमसे रिश्ता रखना चाहता है क्या तुम चाहोगे कि अपना हृदय का दरवाजा खोलने के लिए उसके लिए और कहने के लिए यीशु आओ मैं दरवाजा खोलता हूँ क्या तुम उसको मौका दोगे कि वो आकर तुमसे बातचीत करे तुम्हारे जीवन में आए तुमसे रिश्ता रखें मसीह चाहता है और यही हमारा निमंत्रण है कि अगर तुमने यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं दिया है अगर वो तुम्हारे उसकी संगति को तुम नहीं अनुभव करते हो तो आज मौका है कि तुम अपने आप को उसको अपने हृदय को खोल दो या कोई भी है जो शायद तुम यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया अभी तक तुम ढूंढते हो अभी तक तुम चाहते हो परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए और तुम्हें मार्ग नहीं मिलता है तुम भागते हो इधर से उधर कोई बताता है ये जाओ ये ये करो और यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर खटखटाता है और कहता है दरवाजा खोल दो वो चाहता है कि हम अपने हृदय के दरवाजा खोलें जिसमें कि वो आकर हमसे रिश्ता रखें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं चाहे कोई भी तुम हो यहां पर बैठा है या कोई जो सुनता है आज आवाज को मैं आपसे बताना चाहता हूं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है तुम्हारे नज़दीक है है और वो चाहता है तुमसे रिश्ता रखने के लिए सिर्फ अगर तुम उसको निमंत्रण दोगे और कहोगे कि आओ मेरे हृदय में आओ पाप से पश्चाताप करोगे और कहोगे हे परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य है मेरे पापों को क्षमा कर दो और पश्चाताप करके उसके पास आओगे विश्वास करोगे कि मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा तुम निश्चय उद्धार पाओगे तुम्हारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ में ठीक हो जाएगा अगर तुम उसको निमंत्रण दोगे दरवाजा खोलोगे वो आएगा तुम्हारे साथ मिलेगा भोजन करेगा और आशीष देगा प्रभु ष मसीह ने कहा जाओ सारे संसार में चेला बनाओ बक्तिश्मा दो पानी की बक्तिश्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो ही उनको सिखाओ, और आखिरी में वो कहता है ये हुक्म देकर ये आज्ञा उसने दिया कि जाओ चेला बनाओ सारे संसार में भक्तिष्मा दो उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शिक्षा दो जो कुछ मई ने तुम्हें शिक्षा दिया उनको शिक्षा दो और फिर वो अंत में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा रहूंगा ये उसकी प्रतिज्ञा है अगर हम ये काम करेंगे उसको निमंत्रण देंगे अपने हृदय में सुसमाचार प्रचार करेंगे वो उसका प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी नहीं त्यागेगा कभी नहीं छोड़ेगा एंड श्योरली आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज किसके साथ में जो लोग उसको निमंत्रण देते हैं जो लोग उसके आज्ञा का पालन करते हैं ये जो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट कमीशन एक बहुत ही महत्तम आज्ञा जो प्रभु ईश्वर सिंह मैंने दिया चेला बनाओ सुसमाचार प्रचार करो भक्तिष्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और मैं तुम्हारे साथ में सर्व सर्वदा ये एक महत्तम आज्ञा है अंत में जिसे मैंने बताया उसे कहा आज्ञा देकर उसने कहा कि निश्चय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पृथ्वी के अंत तक यह उसके प्रतिज्ञा है कभी नहीं छोड़ेगा वो हमें मसीह हमें कभी नहीं जागेगा कभी नहीं छोड़ेगा वो आज दरवाजा में खटखटाता है तुम्हारे हृदय के दरवाजा में खटखटाता है और वो चाहता है कि तुम ये होगा और तुम्हारा जीवन जो है वो बदल जाएगा प्रिय लोग आज मैं यही संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी को नहीं नकारेगा किसी को नहीं कहेगा कि तुम नहीं आओ या तुम्हें दंड है क्योंकि तुम पापी हो चाहे कैसे भी पाप से दोष तुम्हारे हृदय में है चाहे कितना भी तुम उससे दूर हो गए हो आज जब तुम आकर उसके पुकारोगे और कहो यीशु मसीह आओ मेरे हृदय में वो आएगा पाप क्षमा करेगा तुम्हारे नए तुम्हें नया जीवन मिलेगा और तुम्हें कमी नहीं त्यागेगा तुम्हारे साथ में वो रह ही चाहेगा तुम्हें आशीष देगा बरकत देगा ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है यही चीज तो हम लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में रहे बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना कलिसिया में भाग लेना ये सब एक तरीका है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मौका देने के लिए अपने लोग जब उसको मौका देंगे तो हमारे जीवन के द्वारा भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा जैसे पतरस के द्वारा हुआ पथरस जानता था कि यीशु मसीह उसके साथ में है और उसने आई से कहा यीशु मसीह कहता है तुम उठो और तुरंत वो चलने फिरने लगा प्रो ये परमेश्वर के आशीष है प्रे लोग आप यहां पर घर हो कभी नहीं यीशु को निमंत्रण दिया जहां तक मैं सोचता हूं सब लोग यहां पर यीशु को जानते लेकिन कोई होगा अगर जो नहीं दिया है आज मौका है जो लोग सुनते हैं आप भटकते हो परमेश्वर के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है वो निमंत्रण देता आओ वो खटखटाता है तुम्हारे दरवाजा में खोलो अपने दरवाजा को कहो हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ इस नाम को लो यीशु के नाम और देखो वो तुम्हारे जीवन में क्या है कैसे भारी भारी काम करेंगे करें। इस समय हम प्रार्थना करें हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते कि तुम्हारी इच्छा है हमारे साथ में मेल मिलाप करने के लिए तुम चाहते हो हमारे साथ में रहने के लिए धन्यवाद 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 कि चाहे कितने भी हम गिर जाएं कितना भी हम पाप में हो जाए हम जानते हैं कि तू हमारे साथ में रहेगा कभी नहीं त्यागेगा कभी नहीं छोड़ेगा धन्यवाद परमेश्वर ईश्व के नाम से आमेन